आश्रम के स्थान पर रहे हुए व्यक्ति एक संतुलित व्यक्ति हैं, एक बैलेंस व्यक्ति हैं, और वही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेंगे आश्रम का कि आश्रम में कैसी प्रणाली है, कैसी व्यवस्था है। एक व्यवस्था, एक प्रणाली, एक ढांचा बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। जिस ढांचे के ऊपर समर्पण रूपी इमारत की पूरी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, उसकी नींव आप कितनी मजबूत बनाते हो, कितनी स्ट्रांग बनाते हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए एक अच्छी व्यवस्था प्रणाली आप निर्माण करो, जिस प्रणाली को देख करके, जिस व्यवस्था को देख करके आने वाली पीढ़ियां भी उसी व्यवस्था को, उसी प्रणाली को अवलंब करेगी। आज युवा वर्ग अपने ही तनाव में व्यस्त है, अपने ही टेंशन में व्यस्त है, और अपने ही तनाव में, अपने ही टेंशन में मुक्त होने के लिए गलत मार्गों का अवलंब कर रहा है। उससे अच्छा है ध्यान मार्ग में प्रगति करो, ध्यान मार्ग में प्रोग्रेस करो, और अपनी चेतना को जागृत करो, अपने चेतना को जगाओ, अपनी चेतना इतनी जागृत करो, इतनी जगाओ कि वो आपकी गुरु हो जाए। और जब आपकी चेतना आपकी गुरु हो जाएगी, फिर कोई गलत मार्ग, फिर कोई गलत रास्ता आपके जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए आवश्यकता है अपने टेंशन को कम करने की, अपने टेंशन को दूर करने की। और टेंशन निर्माण होने के अनेकों कारण हैं, अलग अलग कारण हैं। इन्हीं कारणों में से, ये एक ही कारण है ऐसा नहीं, इन्हीं कारणों में से एक कारण है। शादी के प्रति उदासीनता है। अगर एकदम बाबा जी बनना है, सन्यासी बनना है, तो तुम्हारे को समर्पण में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और अगर नहीं बनने का है, तो एक सही समय पे, सही टाइम पे अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। पच्चीस साल तक लड़की की शादी होना चाहिए और 30 साल तक लड़के की शादी हो ही जाना चाहिए। क्या होता है इसके बाद में, वो अपने ही तनाव में रहते हैं, अपने ही टेंशन में रहते हैं, और अपना तनाव दूर करने के लिए, अपना टेंशन दूर करने के लिए कोई साथी नहीं होता। माँ बाप कितना भी मित्रवत रहे,
माँ बाप कितने भी साथ रहे, कितने भी समीप रहे, तो भी एक पीढ़ी का डिस्टेंस दोनों के बीच में होता ही है। जो तुम्हारा जीवन साथी तुमको शेयर कर सकता है, तुम उसको शेयर कर सकते हो, वो तुम माँ बाप के साथ नहीं कर सकते। तो बहुत सा तनाव, बहुत सा टेंशन केवल अकेलेपन के कारण है कि उसका खुद का कोई नहीं है, उसकी बात समझने वाला कोई नहीं है, उससे बातें करने वाला कोई नहीं है, उसका टेंशन वो किसी को बताए ऐसा कोई नहीं है। और शादी का भी अनुभव ऐसा है जिसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीता है, उसको आप पूछोगे शादी कब करना चाहिए, वो बोलेगा जल्दी करना चाहिए, ताकि जिसके साथ जीवन बिताने का है उसके साथ अधिक से अधिक समय आप साथ रह सको। और जिसका गृहस्थ जीवन खराब बीता है या खराब है, वो बोलेगा नहीं रे बाबा, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, जितने देर से करो उतना अच्छा है। तो ये प्रश्न शादी कब करना चाहिए, ये आप किस व्यक्ति को पूछ रहे हो, उस व्यक्ति के अनुभव के आधार पे वो उत्तर देगा। अगर उसका जीवन अच्छा है तो आपको जल्दी करने की बताएगा, और उसका जीवन अगर खराब बीता है तो बोलेगा देर से करो। तो मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीता है, मैं गुरुमा को बोला तू मेरे जीवन में 5 साल पहले क्यों नहीं आई, तो मैं तो बोलूंगा शादी जल्दी करना चाहिए। और जल्दी शादी करने के पीछे मेरा एक मकसद भी है, समर्पण का पूर्ण उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब गुरुओं के गुरु इस धरती के ऊपर जन्म लेंगे। वो प्रक्रिया भी बहुत कठिन है, उसमें भी काफी समय लग सकता है, लेकिन वो सब के लिए तुम्हारे पास समय होना चाहिए, तुम्हारे पास उम्र होनी चाहिए। तुम इतने देर से शादी करोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक आत्मा के साथ सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है, और दो आत्माओं की सामूहिकता निश्चित ही दोनों आत्माओं के प्रगति के लिए सहायक सिद्ध होगी ही, क्योंकि ये समर्पण की आत्मा है। और इसी उद्देश्य से आपको मदद करने के उद्देश्य से, आपको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर्पण विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताकि दो अच्छी पुण्य आत्माएं एकत्र हो। आप सोचो ना, एक साधक अपनी प्रगति कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसी साधक को अगर और एक आत्मा की सामूहिकता मिल जाए, कलेक्टिविटी मिल जाए, तो उसकी प्रगति तो दुगनी हो जाएगी। यह एक साधिका है जो अपना ध्यान कर रही है, अपना मेडिटेशन कर रही है, लेकिन उसको भी अगर एक साधक की सामूहिकता मिल जाए, कलेक्टिविटी मिल जाए, तो उसकी प्रगति और बढ़ जाएगी, और झड़प से प्रगति हो सकती है। तो आज के युवा पीढ़ी का टेंशन का ये भी एक कारण है, देर से शादियां करना। कैरियर बनाते रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, ये करते करते
उम्र कब बीत जाती है? पता ही नहीं चलता। दूसरा, समर्पण विवाह में एडजस्टमेंट के लिए, तालमेल के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। एडजस्टमेंट से मेरा आशय कुछ त्यागने के लिए है, कुछ छोड़ने के लिए है। जो एक चीज आप पाना चाहते हो, एक चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेगी। कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। आप सोचोगे सभी हाथों में लड्डू आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ गई। वो कहानी इस प्रकार से थी कि एक परिवार की एक जो बड़ी लड़की थी, वो बड़ी लड़की को टीचर की नौकरी लगी। उसके बाद में उसने अपने टीचर के नौकरी में प्रगति की, प्रोग्रेस की, प्रिंसिपल बनी। और प्रिंसिपल बनी, फिर उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां की, अपने छोटे भाई की शादियां की, तीनों शादियां हो गई। पिताजी की जितनी जवाबदारियां थी, वो सब जवाबदारियां लड़की ने पूर्ण की। लेकिन ये सब करते करते वो एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गई जहां उम्र ढलने का समय आ गया। और शादी नहीं हुई। उसके पास पैसा था, उसके पास अच्छा पद था, उसके पास अच्छी शिक्षा थी, लेकिन रूप नहीं था। दिखने में कोई इतनी अच्छी नहीं थी। ये उसके प्लस पॉइंट थे, ये उसके माइनस पॉइंट थे। और माइनस पॉइंट था कि उसकी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी शादी नहीं हुई थी। ये प्रिंसिपल अपनी कार लेके एक गैरेज में जाती थी। वो गैरेज का जो मालिक था वो भी गरीब घर का लड़का था, और घर की जवाबदारियां के पीछे उसकी भी शादी नहीं हुई थी। दिखने में अच्छा था लेकिन एजुकेटेड नहीं था। इस प्रिंसिपल ने उस गैरेज के मालिक से शादी करने का निर्णय लिया। और शादी करने का निर्णय लेने के बाद में सब सहेलियों ने उसको कहा, ये तेरा निर्णय गलत है, वो शिक्षित नहीं है, तू शिक्षित है। तो इसका उत्तर था, जो मेरे पास है वो अगर उसके पास देखा तो उसको मेरी क्या कदर रहेगी। तो हम दोनों ने एडजस्टमेंट किया है। उसके पास रूप है, मेरे पास रूप नहीं है। मेरे पास शिक्षा है, उसके पास शिक्षा नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे है। तो इसने फिर खुद अपने पैसे से उसको एक बहुत बड़ा गैरेज डाल के दिया, और दोनों का ऐसे विवाह बहुत अच्छे जगह से संपन्न हुआ। तो उस कहानी में उन्होंने कहा है कि एडजस्टमेंट करना सीखो। विवाह एक एडजस्टमेंट है। आप क्या करते हो, आप 10,000 रुपये की तनख्वाह पाते हो, आप सोचते हो आपको 20,000 रुपये वाला मिलना चाहिए, तो 20,000 वाला और 30,000 वाली ढूंढते रहता है। नहीं तो ऐसा कहीं अंत ही नहीं है ना। और आप ऐसे रास्ते में भटकते रहते हो इसका कहीं एंड नहीं है। अरे बाबा, तुम वो देखो जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास है ना, डन, खत्म हो गया। तुम क्या करते रहते हो और की तलाश में, कहीं तुम्हारा ठोर ही नहीं आता, कहीं अंत नहीं है, कहीं एंड नहीं है। ढूंढते ढूंढते ढूंढते
तो कहीं तो भी एडजस्टमेंट करो ना, कहीं तो भी तालमेल करो ना, कहीं तो भी त्याग करो ना, कि मेरे को समर्पण विवाह में ही शादी करने की, मैं कुछ भी एडजस्टमेंट करूंगी या कुछ भी अरेंजमेंट करूंगा, क्योंकि ये शादी मैं गुरु कार्य के लिए कर रहा हूं, पुण्यात्माओं को आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूं, ये उद्देश्य से करो। पर आप इच्छा करो ना कि मैं समर्पण के साधिका से ही शादी करूंगा, वो साधिका आपके जीवन में लक्ष्मी बनकर के आएगी। समर्पण में ये एक और समस्या है, अच्छी अच्छी साधिकाएं हैं, अच्छी एजुकेटेड हैं, अच्छी सैलरी है, सब है, साधक नहीं है, लड़कों की कमी है, लड़कियां बहुत है, और लड़के नहीं है ऐसे नहीं है, लड़के हैं पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ वाले लड़के हैं। उनके ऊपर प्रॉब्लम आई कि स्वामी जी आ जाते हैं, प्रॉब्लम चली गई कि फिर और दूसरा, तुम जितनी कंडीशनिंग लगाओगे, जितने नियम करोगे, जितना कड़ा बनोगे, उतना ही तुम तुम्हारे कार्य को रोक रहे हो। मुझे याद है एक दिन मैं केरल के अंदर शिविर ले रहा था, उसी समय विदेश से एक साधक के माँ बाप आए और वो बोले हमको सिर्फ साधिका ही लड़की चाहिए, कोई जात का कोई धर्म का कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ साधिका चाहिए, एक ही कंडीशन और कुछ नहीं चाहिए। कितना खुला रखा था। तो केरल के शिविर में एक लड़की थी, वो लड़की को मैंने सजेस्ट किया, बाद में वो मुंबई गई, उनकी शादी हो गई, दोनों आज सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुला रखा था, हमको सिर्फ शादी का ही चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं, जो आप बोलोगे हम तैयार है। कोई नहीं, अच्छी एजुकेटेड इंजीनियर लड़का था, वो भी अच्छी पीएचडी की हुई लड़की थी, एकदम सब व्यवस्थित हो गया। तुम विश्वास रखो ना, तुम हमको सौंप के तो देखो, तुम जैसा सोच नहीं सकते उससे भी अच्छा तुमको ऑफर देंगे। तो तुम पूर्ण सौंपते ही नहीं, ये कंडीशन वो चाहिए वो चाहिए, फिर बाजू में रख देते फॉर्म, इसके बहुत चाहिए चाहिए रख रहे फॉर्म बाजू में रखो, तो तुम ही तुम्हारा फॉर्म अलग कर देते हो, सामूहिकता से दूर हो जाते हो, कलेक्टिविटी से दूर हो जाते हो। तो बाद में तो मैंने सोनाली बहन को कह दिया, तू तो वो फॉर्म मेरे सामने ला जो पूर्ण तो मेरे को सौंपने को तैयार है, बाकी मत ला, तो मैं मेहनत क्यों करूं बेकार। तो समर्पण विवाह महोत्सव 30 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान आश्रम में होने वाला है। उसमें अधिक से अधिक संख्या में युवक और युवतियां भाग ले, इसी मेरी इच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको फिर वही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप सब देखोगे पैसे के स्तर पे भी आपसे हायर चाहिए, जाति के हिसाब से भी हायर चाहिए, एजुकेशन में भी हायर चाहिए, फिर वो उससे हायर ढूंढेगा। तो ऐसे मुर्गे जल के पीछे आप दौड़ो मत, आप संपूर्ण सौंप दो। दूसरा, कई बार मुझे साधकों के पत्र आते हैं, साधकों के ज्यादा आते हैं,
वो लड़की से मेरा दिल लग गया। अब मैं बोलता हूँ फिर लग जा, दिल लग गया फिर मेरे को क्यों पूछ रहे, मतलब मेरे पास कुछ चॉइस ही नहीं है। अब वो पूछते मैं उससे शादी करूँ क्या, हाँ वाह कर, चढ़ जा बेटा सुली पे, भगवान तेरा भला करे। तूने ही सारा सिलेक्शन कर लिया, तूने ही सारा निर्णय ले लिया, तो फिर मेरे को करने को राय क्या, चढ़ जा। तो ऐसे पत्र मेरे को भेज करके, भेजना नहीं भेजना सही का ही है। बोले स्वामी जी आपके इच्छा के अनुसार। अरे मेरी इच्छा कहाँ, मेरी इच्छा तब होती जब तू चार लड़कियों के ऑफर मेरे को बताता, स्वामी ये चार लड़कियों में से कौन सी सिलेक्ट करो, कौन सी मेरे लिए उपयुक्त है, ये चारों जैसी मेरे को चाहिए वैसी है, तो ऑप्शन दो ना। आप ऑप्शन ही देते, आप बोलते मेरा दिल लग गया। दिल लग गया तो फिर मेरे हाथ पे क्या रहा, मैं क्या करूं। और दूसरा मेरे को लपेटे में लेने के चक्कर में रहते, स्वामी जी आप हाँ बोल दो तो मेरे हाँ माँ बाप भी हाँ बोल देंगे। मतलब उसके घर के हाँ बोलने के लिए वो मेरे से हाँ बोलवा रहा, आप हाँ बोल दो यानी वो भी उनको बोलूंगा स्वामी जी ने हाँ बोला है। मतलब ऐसे जबरदस्ती से मेरे से हाँ बुलवा लेते। अब मैं बोलता हूँ एक लड़की लेके आएगा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा हाँ, तो वो बोलेगा देखो स्वामी ने बोला हाँ, मैंने हाँ किस परिवेश में कहा, अब मैं ना तो बोल ही नहीं सकता ना। अरे बाबा ये तो जीवन साथी के चुनाव का प्रश्न है। साधे महाशिविर के मैदान होते हैं ना, तब चार मैदान दिखाते हैं, तब मैं बोलता हूँ उनमें से सबसे हायर एनर्जी का ये है, यहाँ करोगे तो अच्छा महाशिविर होगा। लेकिन तब दिखाते हैं जब चार दिखाते हैं, तब अगर एक ही दिखाए यही महाशिविर करने वाले हैं कर। अब मैं क्या करूं, तुम नरक में भी जाओगे तो मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना। अब तुम जो डिसीजन लोगे जो निर्णय लोगे वो निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुमने क्या लिया, जब निर्णय ले ही लिया फिर कहां रहा बाकी। तो जैसे महाशिविर करना हो तो मेरे को चार पांच ग्राउंड दिखाओ, चार पांच जगह दिखाओ, फिर मैं सिलेक्ट करूं कि हाँ ये ठीक है नहीं है, ऑप्शन दो। तो जब मैं बोल रहा हूं महाशिविर के लिए ऑप्शन मांग रहा हूं तो तुम लड़की के लिए ऑप्शन नहीं दोगे, तुम बोलते मेरे को दिल लग गया, तो फिर ऑप्शन कहां रहा। और चुनाव क्या खाक करे फिर, हाँ तुमको एखादी लड़की अच्छी लगी तो अपने अच्छे बुक के अंदर लिख के रखो ये लड़की भी ठीक है ऐसा, तो ऐसे चार की जो लिस्ट बनेगी कि नहीं उसको उसमें ऐड कर दो पांचवी। लेकिन तुम्हारा डिसीजन मत लो।